हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले आपका स्क्वायर रूट, रूट मींस आपका होता है जड़, क्या मतलब होता है, और स्क्वायर। तो अब हमने जो कोई भी नंबर निकालना है, मतलब कोई भी, जैसे मैंने लिखा है 25, इसका स्क्वायर रूट मतलब मैंने किस नंबर का स्क्वायर किया है जिससे कि आपका आंसर 25 आया है। तो रूट मतलब है इसका, हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसका मैं स्क्वायर करता हूं। तो जैसे मैंने लिखा है इसको 5 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये 25 कैसे आया मेरे को कि मैंने 5 का स्क्वायर किया है तो मेरे को 25 मिला है। तो इट मींस 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 5 होगा। सिमिलरली आपने लिखा है 36, तो इसको लिख दिया आपने 6 × 6। अब आपका जो 36 है वो किसके स्क्वायर से मिला है आपको, 6 के स्क्वायर से मिला है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका 6 होगा। तो मतलब स्क्वायर रूट को हम इस तरह से दिखाते हैं कि 36 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो ये आपका रूट, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कि स्क्वायर रूट ये है। अब आपने स्क्वायर रूट बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी पेयरिंग करोगे, मतलब मुझे पेयर फॉर्म करने हैं सबसे पहले। तो अब पेयर आते हैं हमारे किधर से किधर होते हैं, आपका कोई भी न्यूमरल्स हैं खाली, मतलब विदाउट डेसिमल नंबर है। यदि आपका विदाउट डेसिमल है कोई भी नंबर, उसमें डेसिमल नहीं है, तो आपका राइट टू लेफ्ट पेयर बनेंगे इस साइड में, जैसे कि आपका 2, 5, 3, 6। तो मुझे पेयर जो बनाना है वो आपका इधर से, पहला ये पेयर, फिर आपका दूसरा पेयर, और इधर होगा तो आपको मतलब इस डायरेक्शन में आप चलते चलोगे। यदि आपका मिक्स्ड फॉर्म है कि न्यूमरल भी हैं और आपका डेसिमल्स भी हैं, तो आपका 2, 3, 4.372। तो अब आपका जो न्यूमरल है उसमें तो आपके लेफ्ट टू राइट बनेंगे, इस डायरेक्शन बनेंगे। ये पेयर नहीं है तो आप यहाँ 2 ले सकते 0 ले सकते हो, तो ये आपका पेयर हो जाएगा। और इसके बाद इधर साइड में आपका जो है वो राइट टू लेफ्ट, अब यहाँ नहीं है तो आप यहाँ 0 इंक्रीज कर सकते हो। तो ये आपके पेयर, मतलब डेसिमल्स में आपका लेफ्ट टू राइट और आपका न्यूमरल्स में राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहला आपका पेयर फॉर्म करना है, इसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 9, 6, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका विदाउट डेसिमल है तो आप पहले पेयर इधर पेयर लोगे, फिर इसके बाद ये। अब मैं इसके बाद, अब फर्स्ट जो पेयर है आप इसमें देखो किस नंबर का स्क्वायर इसके इक्वल या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16, तो वो आपका देखो लार्जर हो गया 16 जो है। तो 3 का स्क्वायर, तो आप 3 यहाँ लिखोगे, 3 इस पेयर के ऊपर आप यहाँ लिखोगे। अब 3 × 3, 9, तो आप देखो इसको यहाँ आपसे मल्टीप्लाई किया करो, 3 आपको यहाँ लिख दिया। अब मैंने देखो, अब 3 × 3 करके 9 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आंसर आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आपको क्या हेल्प करेगा, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये आपका 6 हो गया। अब आप इसका डबल करोगे तो देखो 6 ही आता है। तो आप इसको ऐड करने से ही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है उसका ये डबल हो जाता है अपने आप ही। तो आपके दो काम करेगा ये, पहले मल्टीप्लाई में हेल्प करेगा यहाँ पर, यहाँ नंबर क्या आएगा, और दूसरा आपका जो है इनको ऐड करके यहाँ नंबर क्या आएगा उसमें हेल्प करेगा। अब आप नेक्स्ट पेयर लो, इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 3। अब इसको आप नेक्स्ट पेयर लोगे तो 9 और 6, इसमें आपका पूरा पेयर आएगा, एक नंबर नहीं आता, डिवीजन में एक नंबर आता है, इसमें पूरा पेयर आएगा। अब आपने इसको क्या किया, अब आपने यहाँ से कोई भी नंबर ऐड नहीं किया है तो यहाँ से आप एक नंबर ऐड करोगे। अब 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6, 7, 6, 6 = 36 और 7 आपका जो है वो लार्जर नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ 6 रखूँगा और इनटू इससे मैं 6 करूँगा। अब देखो प्रोडक्ट यहाँ रखेंगे, 6, 6 = 36, 3 आपका कैरी ओवर हो गया, 6, 36 और 3, 39, तो ये नंबर आपका इसके इक्वल आ गया है। सपोज करो ये नंबर आपका लार्जर आता तो मैं इसको एक नंबर कम करता, मीन्स 5 times देखता फिर, और आपका ये इक्वल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मीन्स 6 times आपका ये पॉसिबल हो गया। तो ये आपका यहाँ से रिमाइंडर 0, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2,
96 दैट विल बी इक्वल टू 36, ये आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस इज 1296। नेक्स्ट एग्जांपल 241.312, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर अप टू वन डेसिमल प्लेस। तो वन डेसिमल प्लेस इसका मतलब डेसिमल के बाद में मेरे पास टू पेयर्स चाहिए। तो आपका देखो डेसिमल के बाद में इधर से पेयर इधर बनाऊंगा तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक ही हो गया। और डेसिमल के लेफ्ट में आप पेयर, सबसे पहले आपको पेयर करना है। इधर आपका देखो मैंने पेयर बना दिया, लेफ्ट में जीरो डाल दिया। अब आपने यहाँ पर सबसे पहला आपका जो पेयर है दैट इज 02। अब 2 में जो स्क्वायर किसका होगा 1 × 1, तो 1 आपने यहाँ लिखा, 1 मल्टीप्लाई के लिए लिखा और ये आंसर का 1 है। तो 1 × 1 1। अब आपने माइनस किया 1, नेक्स्ट पेयर लिया आपने 41, इसको ऐड किया आपने, ये आपका 2। अब आपको 2 की टेबल आती है तो मैंने 1 ऐड किया 7 टाइम्स आपका, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। देखो मैं 7 रखता हूँ तो आप अलग कर लो कि मैंने 27 और 7 किया, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 14 और 4 = 18, तो 189 देखो इससे ज़्यादा हो गया, तो मीन्स 7 टाइम्स पॉसिबल नहीं। तो मीन्स आपका यहाँ मैं 6 लिखूंगा और 6 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब 6 × 6 = 36, 3 आपका कैरी ओवर हो जाएगा और 6 × 12 = 3 = 15। अब देखो ये भी आपका ज़्यादा हो गया, 156 भी ग्रेटर है, इट मीन्स आपका जो है अब यहाँ पर मैं क्या लिखेंगे 5। तो इस तरह से आप जो है अलग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये क्योंकि हम जो गैस करते हैं दैट इज द एस्टिमेशन, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कितने टाइम हो सकता है, ये नंबर आपका लार्जर आता है तो इट मीन्स आपको यहाँ के डिजिट कम करते जाओ। तो मैंने अब 5 लिख दिया, अब 5 × 5 = 25, अब 2 × 10 = 12, अब ये आपका 5 यहाँ पॉसिबल है क्योंकि ये मेरा 1 प्लेस। अब माइनस करेंगे तो ये आपका 6 और 3 में से 2 भी आपका 1, 16। अब आपका डेसिमल पहले आएगा और नेक्स्ट पेयर 31। अब आपने इसको ऐड किया दैट विल बी 30। अब 30 की टेबल भी आती है आपको, तो 1 ऐड कर लो, आपको 3 की आती है तो यहाँ से 1 ऐड किया था 2, तो 3 × 5 = 15, तो 5 टाइम्स पॉसिबल है। अब मैंने 5 से इसे मल्टीप्लाई किया है, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, ये नंबर देखो छोटा है तो मीन्स 5 टाइम्स पॉसिबल है, तो आपका ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से मैं इसको माइनस कर, -5 = 6, 2 − 2 = 0 एंड दैट विल बी 1। योर नेक्स्ट पेयर ये आपका 20 आ जाएगा, अब इसको आप ऐड कर दोगे, ये आपका 10 और 310, उसका आपका देखो डबल अपने आप हो रहा है ये। अब 300 टेबल, तो आपने 1 2 डिजिट यहाँ से ऐड किए तो 3 बचेगा, यहाँ से 3 डिजिट का ऐड करोगे तो 3 × 3 = 9, तो 3 का आपका पॉसिबिलिटी है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर, 3 × 3 = 9 = 0, 3 × 3 एंड 3 × 3 = 9। अब इसको आप माइनस कर दोगे तो ये आपका 1 और ये आपका 1, ये आपका 3 और ये 1। अब आपका जो पॉसिबल क्या था, 3 आपने इस पेयर के ऊपर, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 15.53। अब मैंने बोला था ओनली वन प्लेस, तो वन प्लेस के लिए मीन्स रूट ऑफ 241.312 दैट विल बी इक्वल टू, अब मुझे राउंड करना है तो ये नंबर आपका देखो 5 से कम है, इट मीन्स वी विल राइट ओनली 15.5। और यदि ये 5 होता या आपका 5 से ग्रेटर होता मीन्स इसको मैं एक इंक्रीज कर देता वो क्या होता 6, तो इसका आंसर क्या होगा दैट विल बी 15.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका जो डेसिमल्स का स्क्वायर रूट एंड आपका विदाउट नंबर डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।